नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, इस पेड़ का नाम है सीता अशोक वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष को सीता अशोक वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि रामायण काल में सीता माता इसी वृक्ष के नीचे सुबह से शाम तक बैठी रहती थी, जब रावण ने अपहरण करके ले गया था। तो इसीलिए इस वृक्ष का नाम ही है सीता अशोक वृक्ष। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का पेड़ है, वृक्ष है। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वृक्ष को पहचान चुके होंगे, इसके फूलों को देखकर और इसके पत्तों को देखकर। तो दोस्तों, आओ चलो अब इसके फ़ायदों के बारे में हम बात करें कि आखिर यह वृक्ष हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, हम इस वृक्ष के कौन से हिस्से को किस बीमारी में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो स्त्री प्रजनन अंग के हर एक बीमारी के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री को बहुत ही अधिक मासिक धर्म चालू है, यानी रक्त स्राव हो रहा है, जैसे कि 3 दिन का समय होता है तो 10 दिनों तक हो रहा है, तो उनके लिए यह सीता अशोक के छाल का काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके छाल को निकालकर 200 ml पानी में 20 ग्राम छाल को डालकर पकाना है। पकते पकते जब 3 हिस्सा जल जाए, 1 हिस्सा बचे, तो उस 1 हिस्से में से करीबन 20 ml काढ़ा निकालना है और उस काढ़े में 20 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार सेवन करने से मासिक धर्म के रक्त की अधिकता दूर होता है, यानी रक्त अगर अधिक जाता है तो आप इस सीता अशोक के छाल काढ़ा बनाकर सेवन करिए तो आपको फायदा होगा। दोस्तों, अगर किसी स्त्री की योनि बहुत ही लूज है, नरम है, मुलायम है, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे स्त्रियाँ जिनका योनि बाहर निकल आता है, तो उनके लिए भी यह सीता अशोक के छाल का काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दवा कैसे बनाना है वह तरीका आप जान लीजिए। सीता अशोक की छाल ले लीजिए 10 ग्राम, 10 ग्राम ले लीजिए गूलर की छाल और 10 ग्राम ले लीजिए आम की छाल और 10 ग्राम मजूफल। सब सामान के साथ में करीबन 20 ग्राम फिटकरी का पाउडर डालकर 400 ml पानी में पकाना है। पकाने के बाद जो काढ़ा बनेगा, यानी पकते पकते जब पानी एकदम उबाल मारने लगे तभी उतार लेना और उस काढ़े को आप योनि के अंदर तक पूछ कीजिए, तो योनि के समस्त रोग ठीक होंगे और योनि टाइट भी होगा। योनि के अंदर अगर किसी भी तरीके का फोड़े फुंसी है तो उसमें भी फायदेमंद साबित होगा और भी योनि के जो भी प्रॉब्लम होंगे सभी ठीक हो जाएंगे, इतना फायदेमंद होता है यह सीता अशोक की छाल का काढ़ा। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ज़रूरत में आपको काम आएगा। दोस्तों, यह सीता अशोक का काढ़ा बवासीर रोग में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर बवासीर में खूनी बवासीर है, रक्त बहता है, तो आप इसके छाल काढ़ा बनाइए, करीबन 200 ml पानी में 10 ग्राम तक छाल डाल दीजिए और उसे पकाइए। पकते पकते जब पानी आधा जल जाए और आधा बचे, तो उसमें से आप करीबन 10 ml काढ़ा निकाल लीजिए। उस 10 ml काढ़ा में 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डालकर मिलाकर घोल कर पी जाइए, तो खूनी बवासीर में फ़ायदा हो, खून का बहना बंद हो जाएगा। दोस्तों, इस सीता अशोक के फूल के भी बहुत सारे फायदे हैं। इसके फूलों को काढ़ा बनाकर चेहरे को धोने से चेहरे में होने वाले फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं और जख्म के ऊपर अगर सीता अशोक के फूलों को पीसकर शहद मिलाकर और घी मिलाकर लगाते हैं तो वह जख्म भी ठीक हो जाता है। इस तरह से दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि का पेड़ है। इसके बहुत सारे फायदे हैं जिनमें से मैं आपको कुछ ही फायदे बता रहा हूँ, बाकी दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।